पांचवें और छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मुंबई के नॉर्थ ईस्ट सीट से मिहिर कोटेचा आज नामांकन भरने के लिए विक्रोली इलाके से निकले हैं और उनके नामांकन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद आए हुए हैं। रथ पे सवार तस्वीर आप खुद देख सकते हैं, भारी संख्या में जो महायुति के तीनों दलों के कार्यकर्ता हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट, शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी इस बड़े मोर्चे में निकली है नामांकन भरने के लिए मिहिर कोटेचा के, और भारी जोश आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का साफ तौर पर दावा है कि जैसे 2019 में महायुति ने 6 से 6 सीट जो मुंबई की है वो जीती थी, वही रिकॉर्ड इस बार भी पूरा होने जा रहा है। हालांकि क्या सच होगा क्या झूठ होगा, 48 में से कितनी सीटें महायुति को मिलेंगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से हो या महायुति की। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा है, लगातार लोग नाचे जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लग रहा है जैसे नामांकन के समय ही जीत का जश्न मनाया जा रहा हो, उस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। औरतें भी बड़ी संख्या में आज इस नामांकन जो भरा जा रहा है, पर्चा भरा जा रहा है, उसमें बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। अलग अलग वेशभूषा में महिलाएं आपको इस समय दिखाएंगे और सभी के मुंह पे एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। इस तरीके की नारेबाजी एक कार्यकर्ता लगाते हुए जा रहे हैं पूरे जोश में, और ये वो नजारा है जिसको सबसे ज्यादा बीजेपी अपने पक्ष में हवा बता रही है कि महाराष्ट्र में जो स्विंग स्टेट को लेकर कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के साथ मुकाबला काफी टक्कर का महायुति का होने वाला है, वो फिलहाल जो बीजेपी के नेता है वो नहीं माने। खासतौर पे देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 48 में से 41 सीट जो 2019 में मिली थी, इस बार उससे ज्यादा सीटें महायुति को महाराष्ट्र में मिलने वाली है। आज उत्तर पूर्व मुंबई सीट से मिहिर कोटेचा जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो नामांकन भरने जा रहे हैं और बड़ा लाव लश्कर उनके समर्थन में उतरा हुआ है सड़कों पे। हमारे साथ खुद मिहिर कोटेचा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप जो हैं नामांकन भरने जा रहे हैं, बीएमसी में आपने एक बहुत बड़ा लंबा समय दिया है, जो लंबा संघर्ष रहा है उसका कहते हैं कि आज परिणाम आपको मिला है, टिकट मिल गई है, नामांकन फाइनली भरने जा रहे हैं, ड्रीम कम ट्रू जिसे कहते हैं वो हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या भावना है, किस तरीके की फीलिंग? देखिए, समाधान की भावना है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बड़ी जवाबदारी मेरे कंधों पर डाली है। बीएमसी की जब आपने बात की तो आमदार बनने के बाद पहले 22 महीने मैंने बीएमसी में होने वाले हर घोटाले का पर्दाफाश किया है। मोदी जी का एक लड़वैया सैनिक हूं, इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये तो मिहिर कोटेचा जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के पुराने लड़ाके हैं, वो विधायक कॉरपोरेटर से लेकर विधायक बने, विधायक के बाद अब सांसद बनने के लिए वो नामांकन भरने जा रहे हैं, खुद देवेंद्र फडणवीस उनके नामांकन में शामिल होने के लिए आए हैं। एक बड़ी चुनौती है उन्हें, लेकिन इस सीट पर उन्हें जीत का भरोसा भी है जिसे वो अपने बयान के जरिए दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। मिहिर कोटेचा जो उत्तर पूर्व मुंबई से अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, उनके महामोर्चा में खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होने आए हैं जो नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस खुद मौजूद हैं। सर, भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, उत्साह काफी ज्यादा है, लेकिन जो चैलेंज है इस सीट से, संजय दीना पाटिल यहां से एक बार सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनौती? वो भले ही सांसद रहे होंगे लेकिन उसके बाद 2 बार हारे भी है, इस बात को ध्यान में रखिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, मनसे, रिपाई, एक बहुत बड़ी हमारा अलायंस यहाँ पर है और मुंबई ने हमेशा मोदी जी पर प्यार किया है, मुंबई मोदी जी के साथ में है। मिहिर कोटेचा जी को मुंबई का और विशेष रूप से ईशान्य मुंबई का बहुत जन समर्थन मिलेगा और वो बहुत अच्छे वोटों से चुन कर आएंगे। सर, उद्धव ठाकरे कल जो है अपने मातोश्री में बयान दे रहे थे कि 30+ हम जो है जाने वाले हैं, 35 भी हो सकता है नंबर जो एमपी की सीट है 48 में से, कैसे देखते हैं सर? नहीं, मैं तो कहूंगा उनको 48 में से 49 भी मिल सकते हैं।
सर, 6 में से 6 हमेशा से महायुति की सीटें रही हैं मुंबई से, इस बार क्या परिणाम एक्सपेक्ट कर? पूरी 6-3 पर बीजेपी लड़ रही है, वहां पर जहां बीजेपी लड़ रही है बीजेपी, जहां शिवसेना लड़ रही है शिवसेना, पूरा अलायंस चुनकर आएगा। आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र में जो चुनौती है 48 सीटों की, लगातार जो जितने भी समीकरण आ रहे हैं स्विंगिंग स्टेट के तौर पे देखा जा रहा है, आप इसको किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं? क्योंकि सर दूसरा ये सबसे बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र का, जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट है, ये स्विंग स्टेट है और ये केवल मोदी जी की ओर स्विंग करता है और कहीं स्विंग नहीं करता। 48 में से कितनी सीटें सर? पिछले बार से ज्यादा। तो ये थे देवेंद्र फडणवीस, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पिछली बार से ज्यादा जो सीटें हैं, यानी 41 जो एमपी की सीटें थी जीती थी बीजेपी महायुति ने 2019 में, उससे ज्यादा इस बार नंबर होने वाला है और खास तौर पर उत्तर पूर्व मुंबई में बंपर वोटों से जीतेगी, ऐसा दावा देवेंद्र फडणवीस का है। कैमरामैन संतोष ज्योति के साथ अतुल सिंह, रेडियो मुंबई।